समन का रिश्ता आया था। आपके भाई के दोस्त हैं, रिश्ता बहुत अच्छा था तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। क्या था अगर आप मेरी खुशी का भी ख्याल कर लेती? रक्षी इतनी भी बुरी नहीं थी। नसीर, ये तुम कहां की बात कहां कह रहे हो? हाँ, आप तो बस अपनी ही बात कीजिए। हाय अल्लाह, मीनू क्या कर दिया आपने? बेटा पता नहीं क्या हुआ, इसे चक्कर आया, समझ में नहीं आया। सत्यानाश, मैंने डिनर सेट तोड़ दिया आपने। अरे क्या जरूरत थी खुद करने की, अम्मा से कह देती वो कर देती। उस दिन वासिफ मुझे कह रहा था कि तुम हर वक्त सारा से फोन पे बातें करती रहती हो। मैंने कहा तो क्या हो गया, एक ही तो पक्की दोस्त है मेरी, और किससे बातें करूं मैं। और तुम्हें पता है पार्टी में भी सिर्फ मैंने तुम्हें ही बुलाया है, बाकी तो सब वासिफ के कुलीग्स होंगे। वैसे तुम पार्लर कब तक पहुंच रही हो? पार्लर के लिए तकरीबन 4 बजे तक निकलूंगी। तुम टाइम से पहुंच जाना, वापसी में वासिफ ही हमें पिक करेगा। काफी एक्साइटेड लग रही हो तुम पार्टी के लिए। एक्साइटेड तो वाकई में हूँ मैं। तुम बस ना वासिफ के बॉस की बीवी को देखना, 3-4 लाख रुपए का तो बैग हाथ में लेकर घूमती हो। क्या बात है तुम्हारे। चलो मैं पॉलर आती हूँ, फिर मुलाकात करते। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अंबर, बेटा जरा इसकी आवाज आहिस्ता कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जल्दी से तैयार हो जाओ। तो आप एक काम करें ना, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लें। तो पहुंच जाएं। अब आपके सर के दर्द के चक्कर में क्या बच्चे टीवी नहीं देखेंगे? अजरा, मैंने बंद करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आहिस्ता कर दो। कोई जरूरत नहीं है, नहीं होगा आहिस्ता। तुम क्या सिखा रही हो बच्चों को? आ लेने दो जमाल को आज, मैं उसे बताती हूँ कि तुम्हारी तरबियत कैसी है। तो आप ही हैं जो जमाल को चढ़ाती रहती है मेरे खिलाफ, है? और वो घर आके हमसे लड़ता झगड़ता और हम पे चीखता है। अब पता चला कि आप चढ़ाती हैं जमाल को हमारे खिलाफ। नहीं, मैं उसे सिर्फ सच सच बताती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा तो मैं भी फिर अब आपको बताती हूँ। चले निकले मेरे घर से, अभी इसी वक्त निकले मेरे घर से। क्या कह रही हो? मैंने कहा निकले मेरे घर से। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं निकलूं यहाँ से? क्यों 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 नहीं निकलेंगी? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं किसको भी रखूं। सजा, तुम्हारा घर ये नहीं है, ये घर मेरे बेटे का है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, मैं मालकन हूँ इस घर के, और मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाती आज। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, चलो निकलो। बहुत कर लिया आपने हुक्मरानी। अजरा छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? निकलो मेरे घर से, बहुत बर्दाश्त। बस निकले मेरे घर से, जाओ। मैं नहीं रखने वाली आपको इस घर के अंदर। अजरा खुदा के लिए मेरी बात सुनिए, तुम क्या? मैं और यही सुनूंगी बस। बहुत बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर दिया मैंने, बस अब नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त। निकल यहां से। अच्छा दादा, हाँ क्या? आप अंदर चलो, अंदर अंदर चले चलो। ये अपना बैग, और बात सुनो, अपनी दूसरी बहुओं को बोलो कि आगे तुम्हें ले जाए। करो फोन उनको, बहुत खिदमत कर ली मैंने तुम्हारी, और देख लिया कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी नजरों पे हमेशा बुरी ही रहूंगी। दबो यहाँ से, चलो अम्मी चले अंदर, तुम लोग का तमाशा देख रहे हो, दबो यहाँ से सब। चलो मैं आपको रक्षा कराता हूँ।
अम्मी आपने अच्छा नहीं किया दादी को घर से निकाल के। अब बाबू आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। खबरदार खबरदार जो ये बात तूने दोबारा दोहराई तो अगर अपने बाप को जरा से भी कोई बात तूने बताई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी? पता नहीं बेचारी दादी कहाँ चली गई होंगी, वासफ के गई होंगी और कहाँ गई होंगी। तू भी चली जा, अगर ज्यादा हमदर्दी हो रही है दादी के साथ तो। और बात सुन, अगर तेरा बाप पूछे तो उसको कहना कि दादी वासफ को याद कर रही थी, रक्षा मंगा के खुद ही चली गई। अच्छा मुझे तो चुप करवा लेंगी, लेकिन अगर दादी ने खुद आके अब्बू को सब कुछ बता दिया ना तो बहुत मजा आएगा आपको। दफा हो जा, कभी कोई अच्छी बात निकाला कर मुंह से। पता नहीं कहाँ गई होंगी दादी, अच्छा नहीं किया मैं सिर्फ दादी के साथ। आज वासिफ आपको नसीब भाई क्या छोड़ के आ जाइए, बस इसीलिए आपको सामान रख रही थी। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि अम्मी यहाँ पे आए, वो जैसे ही आती है तो मैं बोलने की शय मिल जाती है, कब जाएंगी वो। तुम मुझे लेने आई हो ना, पता है तुम मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ के चला गया है, वापस तो मुझे घर लेके चली चलो। देखो देखो मैं तैयार हूँ, चलो चलो मैं चल रही हूँ, तुम मुझे लेने आई हो ना, चलो मेरे घर लेके चलो। अरे आप चलिए आइए। बेबी बाजी शमीर, पालो और फिर उनको जवान करो और औलाद हाथ पकड़ कर यहां छोड़ जाती है। आपको पता था ना मैं यहाँ हूं। हाँ शमीम, बताया था मुझे शहनाज ने और मैंने उससे कहा भी था कि मैं आऊंगी मिलने के लिए जरूर।
मिलने के लिए तो आप नहीं आई, मगर साथ रहने के लिए आ गई। अब मंजली बहू तो अच्छी थी, उसने भी आपको नहीं रखा। बस मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी जितनी भी सांसें हैं मैं यहीं गुजारूंगी। अरे मामा की कॉल आ रही है। हेलो जी, मामा करीब ही हैं, बस पहुंच रहे हैं। जी जी, फरहत साथ ही है, आप परेशान मत हो, वही ड्रॉप कर रही है मुझे। जी ओके। यार रात बहुत हो गई है फरहत, इसलिए मामा परेशान हो रही है। अरे इतना भी लेट नहीं हुआ है, वैसे आज बहुत मजा आया ना सारा। हाँ यार मजा बहुत आया। वैसे वासिफ भाई, आपको प्रमोशन के लिए एक बार फिर मुबारकबाद देती हूँ मैं। थैंक यू। यू वेलकम। वासिफ भाई बस यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा। यस। जी जी यस। चलो ओके, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। ओके सारा, अपना बहुत ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना भाई। दासी ऑफिस। समझ में नहीं आ रहा अम्मी खुद क्यों चली गई, मेरा इंतजार ही कर लेते। अरे भाई तुम जाने, तुम्हारी अम्मा जाने, मुझे क्या पता क्यों चली गई। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर उनको वासिफ के यहाँ जाना ही था तो वासिफ को फोन करके बुला लेती, वो उनको ले जाता, या फिर आपसे कहती आप छोड़ाते। नहीं भैया, उन्होंने तो रक्षा मंगाया और ये जा वो जा। मेरा ख्याल है वो रहना नहीं चाह रही होंगी। अब ये तो वो ही जाने, अगर ऐसी भी कोई बात थी तो मैं तो चलो हूँ ही बुरी ना, अपने बेटे को तो बता देती, आपसे तो बात करनी चाहिए थी उनको। ये कौन सा तरीका हुआ कि बैग उठाया और चली गई मैं वासिफ के यहाँ जा रही हूँ। तुमने तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोल दिया उन्हें। 10 चोर की मार मेरे ऊपर अगर मैंने उनको कुछ कहा हो तो। अब तो पीना घर अपनी नाक ऊंची रखना, हाँ कोई जरूरत नहीं है कॉल करके पूछने की, जब उन्होंने तुम्हें खुद नहीं बताया तो। जब दिल करेगा तो आ जाएंगे खुद ही। हाँ आर्टी बहुत अच्छी रही ना। बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। वो दोपहर में अम्मी की कॉल आ रही थी, मैं मीटिंग में था तो उठा नहीं सका। वासिफ कहीं हमारे घर आने को ना कह रही हूँ, वैसे भी अजरा भाभी की बारी है, अगर कोई भी इस तरह की बात हो तो तुम साफ मना कर देना। आज बहुत मजा आया। हाँ ठीक है, हम परसों वापस आ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम आके करते हैं ना। डन है, डन है, डन है। चलो सही है। ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वो फ्लैट के ट्रांसफर का काम हो गया, हमें बस जाके एक दो साइन करने हैं, बस हमारी परसों की वापसी है ना, जाके कर देंगे। परसों क्यों, कल ही वापस चलते। कल लेकिन हमारी टिकट्स तो परसों की है ना। तो क्या हुआ, उनसे कंसर्न करें और कहें कि हमें कल वापस जाना है, सिंपल। लेकिन अस्मा ने तो परसों के हिसाब से तैयारी की भी होगी। अच्छा, अस्मा की फिक्र आपको कब से आने लगी? से इन्फॉर्म करें कि हम कल वापस जाने वाले, तो आप दे नहीं आप उसको, उसका नाम लेके मेरा मूड मत खराब क्या करें।
तूने सारी जिंदगी हिम्मत से काम लिया है, आइंदा भी हिम्मत ना हारना। अपना ख्याल रखी। रशीदा बीबी, रशीदा बीबी, रशीदा बीबी, रशीदा बीबी, मैं आपको कब से आवाजें दे रही हूं, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। मुझे आवाजें दे रही, आप ही का नाम रशीदा बीबी है ना? जी, दरअसल बहुत दिन हो गए अपना नाम सुने हुए, क्योंकि सब लोग तो मुझे बेबी बाजी कहते हैं ना, तो फिर आज से हम भी आपको बेबी बाजी कहेंगे। आइए, आपके कवायद लिखने हैं, आइए आ जाइए। तशु रखिए। यार जमाल भाई, दिन ब दिन हमारी सेल कम हो रही है, माल भी वही है, दाम भी वही है, लेकिन दूसरी दुकानों के मुकाबले में तो हमारी सेल बहुत कम जा रही है। पता नहीं यार, दिन ब दिन कहां से बरकत उठती जा रही है। नसीर भाई की दुकान भी बंद थी कल। हाँ, वो तो इस्लामाबाद गए हैं भाई, इसलिए दुकान बंद थी। तो सेल्समैन को तो चाहिए कि टाइम पे खोल ले दुकान। यही तो होता है, जब आप सेल्समैन में काम छोड़ कर चले जाए ना, तो फिर काम ठीक तरह नहीं होता। अरे इन चक्करों में लगा भाई आजकल। ये तो है। खैर, बाकी माल भिजवा दिया उधर? हाँ, वो तो पहुंच गया। चलो दुआ करो यार, कोई सिलसिला निकला है काम का। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन नसीर, हम तो परसों जाने वाले थे ना, कल तो भाई भाभी ने सबके लिए डिनर रखा हुआ है। तो तुम खुद आ जाना, मैं तो कल चला जाऊंगा। नहीं, अच्छा तो आप कब आएंगे लेने? मैं क्यों लेने आऊं? तुम अपने भाई से कहना, वो तुम्हें छुड़वा देंगे। तो आप जाने से पहले भाई और भाभी से मिलेंगे नहीं? नहीं। इतने सवाल करती है ये औरत। अच्छा, आप मूड खराब क्यों कर रहे? पिक्चर बनाते इधर। मेरा मूड नहीं है। अरे हंस के यार, बनाई ना। देखिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, आप लोग की तो मैं कंप्लेन करवाऊंगी। आप लोग बिल्कुल सही से उनका ख्याल नहीं रख रहे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। मैं तुम्हें फौरन नौकरी से निकलवाऊंगी। देखिए मैडम, मैं जितनी आपके साथ तमीज से बात कर रही हूँ, आप उतने ही मुसलसल मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? जानती हो मैं कौन हूँ? तो ठीक है, आपने जो करना है वो कर गुजरे। तुम मेरे रवैये पे उंगलियां उठा रही हो। तुम्हारी ये नौकरी एक दिन नहीं रहेगी। आप जो भी है, अपनी हदों पे रहे। आप अगर मुझे फारी करवा सकती है तो करना के देख ले। अरे ये मजाल, दो कौड़ी की अटेंडेंट होके मेरे साथ बदतमीजी। आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। जा रही हो ना? अरे और जो भी है, आपने जो आवाज नहीं आवाज नीचे आप रखे अपने। तुम्हें देखती हूँ मैं भी, आपको देख लूंगी। जाए 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 जाए, जो करना करें। किसी मिनिस्टर की बीवी है, अपनी सास को छोड़ने आई थी, हर तीसरे दिन आ जाती अक्कड़ दिखाने। वो रही उसकी सास, मिनिस्टर की माँ।
यही चाहती हो ना तुम कि अम्मी यहां पे आ जाएं और तुम उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज बनो। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की क्या हम आ गए हैं। यार इतनी अच्छी न्यूज सुन के तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, हम ट्रेनिंग कोर्स के लिए यूरोप जा रहे हैं। लाइक वाओ। यार मुझे फरहत की फिक्र हो रही है, वो अकेले कैसे रहेगी? अकेली क्या मतलब, माशाल्लाह से इतने सारे भाई हैं तुम्हारे, भाभियां हैं और अम्मी भी है, अकेले कौन रहेगा? उसकी किसी से बनती कहाँ है यार। कभी कभी अपना घर बहुत याद आता है। कितनी फिक्रों से आजाद था मैं। एक बार जब तुम्हारा प्लेन लैंड होगा ना यूरोप में, सारी फिक्रों से वापसी आजाद हो जाओगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है वहां? क्या नहीं है वहां, सब कुछ है वहां पे, सब कुछ। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे अल्लाह के पास जाना है। फिर से इसका राग शुरू हो गया। नसीर, जमाल भाई को फोन करके बता दें कि हम लोग वापस आ गए हैं, अम्मी का फोन नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो अम्मी को फौरन यहाँ पे ले आए। यही चाहती हो ना तुम कि अम्मी यहाँ पे आ जाएं और तुम उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ महाज बनो। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बताने की क्या हम आ गए हैं। कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं 2-3 मरतबा आया तो घर पे ताला लगा हुआ था। हर बात तुम्हें बता के जाएंगे हमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, और तुम्हें बार बार मेरे घर आने की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? फैन है ना, फोन पे बात नहीं हो सकती। नहीं नहीं, खास बात तो नहीं थी, वो मैं आसपास पार्टियों को मकान दिखा रहा था तो मन का चलो आपसे दुआ सलाम करता चलू। शहर से बाहर ही आए थे क्या आप लोग? साफ साफ कहो कि पूछना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा शौहर तुम्हें ढूंढता फिर रहा। साहब का शौहर? हाँ साहब का ही सही, वो तो नहीं जानता ना, वो तो कहता है मैंने तलाक दे नहीं। अरे बकवास कर रहा है, और बात सुनो, तुम्हारे होठ पे तिल और पेट में कोई बात नहीं रहती, पता तो नहीं दिया कि हम कहाँ रह रहे हैं आजकल? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया उसे, मैंने तो यही कहा कि आप लोग शहर से बाहर गए हो, मैं समझा आप लोगों को पता चल गया तो आप लोग घर पे ताला लगाकर और गायब हो गए। गायब? अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? हम तुम्हें इस टाइप के लोग लगते हैं कि गायब हो जाएंगे घरों से अपने से? चलो जाओ तुम। निकालो अम्मा, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, जाओ। चलो चलो, इधर बाहर से गुजर रहा था उधर। आजा दरवाजा खुद बंद कर देगा। अरे वो मुसीबत भी तो पीछे पर लगा हुआ ना इसके, वो तुम्हारा साहब का शौहर। कह रही हूँ सेट कर लो, तुम ही नहीं कर रही हो ना। इसको देखो ना, बास्केट सी पहन के, वो मैं गुजर रहा था, चाय पी लूं, पाला कर लूं। अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ मैं तो लड़की तेरी वजह से। कहाँ से ढूंढे
देवी बाजी, देवी बाजी, कितने बेटे हैं आपके? चार, चार बेटे हैं। और उनमें से कोई भी आपको रखने को तैयार नहीं है? जब बेटों की शादियां हो जाती हैं, वो बीवियों के सगे बन जाते हैं, माँ उनके लिए पराई हो जाती है। अब इन्हीं बेबी बाजी को ही देख लें, इनकी मिसाल दी जाती थी मोहल्ले में, लेकिन जब शोहर का इंतकाल हुआ तो ना वो घर रहा ना वो मोहल्ले वाले रहे। इनसे पूछे बगैर खाना नहीं बनता था, लेकिन आज इनको खाने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। देवीदा जी, आप चाट खाएंगे? क्या कर रहे हैं आप? देवी, तुम्हें यहाँ की चाट पसंद है ना? याद है शादी के शुरू दिनों में तुम मेरे साथ बाइक पे बैठ के रोज यहाँ चाट खाने आती थी। वो तब की बात थी, अब कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इसमें शर्म की कौन सी बात है भाई, अपनी बीवी के साथ ही चाट खा रहा हूं ना, कमाल है। आवे ले आओ। तो तुम अपने ऑफिस में बोलो ना कि जो जो मैरिड हैं एटलीस्ट वो अपनी बीवियों को तो साथ लेकर जाएं। मैं वहां पे जॉब करता हूँ, कंपनी का ओनर नहीं हूँ। मम्मी को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे साथ आके रह लेंगी। नहीं प्लीज, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हुआ वासुक? क्या हुआ है वासुक? एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बताते हैं, हाई कोर्ट ने तमाम तजावजात को खत्म करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने फिरोज टावर की तामीर को भी गैर कानूनी करार देकर इसे मस्मार करने का हुक्म दे दिया है। वासिफ तुम ठीक हो? वासिफ क्या? वासिफ कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सब खैर। इधर दो। हेलो अली, जल्दी आ जाओ, वासिफ की तबीयत खराब हो रही है। वासिफ हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी जान से बढ़ के नहीं है, तुम हिम्मत से काम लो। तुम ठीक हो? मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। मास्टर तो संभालो। असल तुम पानी पियो, पानी पियो, कुछ नहीं होगा, अभी तुम देखना सब बेहतर हो जाएगा। हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा, टेकर ऑफ, सांस लो, सांस लेने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। ये बात तुम पीछे टेक लगा के बैठो। अच्छा तुम सांस लो, अपनी ब्रीदिंग रेगुलेट करने की कोशिश करो।
वर्क स्ट्रेस या किसी किस्म की टेंशन की वजह से ये दिल पे दबाव महसूस कर रहे हैं। अब इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो टेस्ट मैंने आपको लिख कर दिए हैं वो आपने लाजमी करवाने। परेशान होने वाली बात नहीं है, आजकल यंग लोगों में बीपी, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। स्टाफ, ड्रिप ख़त्म होने के साथ ही इनको डिस्चार्ज कर दीजिएगा। राइट, थैंक यू। आसिफ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अनिका, हाँ अली अभी अभी ही गए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अभी तो वैसे भी हाई कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल होगी। तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आंटी, अब तो आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, शक तो मुझे पहले भी नहीं था तुम पे, लेकिन भाई वसवसे तो आते हैं ना। याद करो, पहले भी अपनी अम्मा के कहने पे शादी से तुम दूर हट गए थे। मैंने कहा फिर दोबारा वो बात ना दोहराई जाए, इसलिए शक तो हो जाता ना इंसान को, लेकिन नहीं अब ठीक, पक्का यकीन हो गई। चलो अब अपने हाथ से मामा को मिठाई खिलाओ। मैं खिलाऊं? ज्यादा का और हुआ जी हुआ। जी सर, मैं आ रहा हूँ जी, बस आधे घंटे में। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ऑफिस बुला रहे हैं। तुमने तो उन्हें बता दिया था ना कि आज ऑफ करोगे, तो फिर क्यों बुला रहे? कह रहे थोड़ी देर के लिए आ जाए, एक प्रेजेंटेशन देनी है। अच्छा चलो, तुम ये सेब तो खाओ। छोड़ो से तो मेरे कपड़े निकाल दो, लेट हो गया तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा। मैं कपड़े निकाल देती हूँ, तुम खाओ तो। रख दो इसे। मैं निकालती हूँ कपड़े। मेरा तो ख्याल है उसको आराम करने में, आज तू आराम से सो, शाम तक ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अच्छा हम दुकान चलते हैं। और बेटी, अगर कुछ भी हो जाए ना तो मुझे या जमाल को टेलीफोन जरूर कर देना। मेरा बहुत अच्छा बड़ा घर है, पर मेरे बेटों ने छीन लिया। पर मैं जाऊंगी, वकील करूंगी। तुम मेरे साथ चल के रहना। बोलो ना, चलोगी ना? एक माँ
चार बेटे पालती है, और चार बेटे एक माँ का ख्याल नहीं रख, सब अपनी जिंदगी में मगर, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। तुम तो चलोगी ना, तुम तो चलोगी ना, बोलो ना। देखो बेटा, अपना काम अपने ही होता है, दूसरे की नौकरी करने से न दिन अपना रहता है और न रात। अब तुम्हें बुखार हुआ, जवाब ने फौरन कहा कि अबू इसे आराम करने देते हैं, न किसी को दरख्वास्त भेजनी पड़ी, न तुम्हारे पैसे कटे। चल आ जाओ आसिफ, कॉफी पीकर आते। नहीं बस एक ईमेल कर दो, फिर मैं घर निकलूंगा। अरे हाँ, तुम्हारे फ्लैट की कोई अपडेट आई? आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन लोग बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, शायद पूरी बिल्डिंग गिरानी पड़ जाए। यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसमें। इसका जवाब किसी के पास नहीं। यार मेरे तो समझ नहीं आ रहा है, यानी कितनी अजीब बात है, मेन जगह की सर्विस रोड पे बिल्डर ने पूरा प्रोजेक्ट बना के खड़ा कर दिया, अब जब उसमें लोग आके रहना शुरू हो गए तो अब नोटिस आ रहा है कि ये इलीगल है, खाली करो इसको। कहां जाएंगे यार सब? ऐसा पहले भी हो चुका है, लोग क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे, फिर क्या होगा, फिर खामोश हो जाएंगे। यार कोई तो तरीका होगा, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? सब जाया, इनको अंदाजा भी नहीं है कि लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, कितनी मेहनत से घर बनाते हैं। सही कह रहे हो यार, कौन सा पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ। बहुत परेशान है यार, एहसास अगर होता तो ये कौम आज एक बेहतर कौम होती। सिर्फ अब क्या होता है यार, अल्लाह रहम करे। मैं तो कह रहा हूँ चलो जल्दी से कॉफी पीकर आ जाते, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। नहीं यार मैं घर जाऊंगा, फरहत अकेले घर पे, बस ईमेल कर दूं। टेंशन ना लो यार, दुआ करो इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम निकलो। चलो मैं आता हूँ कॉफी पीकर, ठीक है? चलो ओके।